नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने को कहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा, समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से योग की महिमा बढ़ी। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ये भारत की संस्कृति और विरासत का अंग है। भारत ने करतारपुर गलियारे मुद्दे पर एक और दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान को 11 से 14 जुलाई का प्रस्ताव दिया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से कोरियाई प्रायद्वीप के विसैन्यकृत क्षेत्र में मुलाकात की। और आईसीसी विश्व कप में आज बर्मिंघम में अपराजेय भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया। केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूं। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैशटैग जनशक्ति फॉर जलशक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों के साथ चर्चा करने को कहा है। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। भारतीय संस्कृति में जल के असीम महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ऋग्वेद के आपह सूक्त का भी उल्लेख किया। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि योग ने व्यापक रूप ले लिया है और विश्वभर में योग दिवस को सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर बताया कि जापान, इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापान योग निकेतन को लीजिए, जिसने योग को पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहाँ के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी, उन्हीं का नाम ले लीजिए, जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। ये अपने आप में प्रेरक उदाहरण है। लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और ये हमारी विरासत का अंग है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के दिल में आक्रोश था और खोए हुए लोकतंत्र की तड़प थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया। ये संख्या अमरीका की पूरी आबादी, यहां तक कि यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया।
लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिस कर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। स्वागत समारोह में लोगों से फूलों के गुलदस्ते के बजाय पुस्तक देने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद की कहानियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन कहानियों के संदेश सभी के लिए प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री ने केरल में अक्षरा पुस्तकालय का जिक्र किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाइब्रेरी इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में है। यहां के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पी के मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पीवी चिन्ना थम्पी, इन दोनों ने इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है। एक समय ऐसा भी रहा जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लादकर यहां पुस्तकें लाई गई। आज ये लाइब्रेरी आदिवासी बच्चों के साथ हर किसी को एक नई राह दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में ये सीधा साधा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। आज पुणे में लोगों के साथ मन की बात सुनने के बाद आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के जल संरक्षण को भी स्वच्छ भारत अभियान की तरह जन आंदोलन बनाने की अपील पर अनुकूल जवाब देंगे। मन की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जो खूबसूरती इस मन की बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40 घंटे बोला है, 40 आवर्स ऑन मन की बात, 54th एपिसोड को जोड़ लें तो 40.5 घंटे होते हैं। एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक बातचीत नहीं की है, यह हमको समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में हमारी संवाददाताओं ने कुछ शहरों में भी लोगों की राय जानी। मेरा नाम आरती है और मैं जम्मू के उस इलाके की रहने वाली हूँ जहाँ पानी की बहुत किल्लत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में पानी के बचाव के बारे में बल दिया है। सबको प्रण लेना है कि हम सब पानी का सही सही उपयोग करें और इसको जाया होने से बचाएं। मेरा नाम अमजद मियां, हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च छात्र हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे जैसा मन की बात ना ही एक व्यक्ति की मन की बात है बल्कि इस देश के 130 करोड़ आम आदमी की मन की बात और मन की आवेदना है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी जो सूचनाएं और विनतियां करें वो सब हमारे देश के आम आदमी के दोस्त के जीवन के अंदर एक आदत बन चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने करतारपुर गलियारे के बारे में एक और दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान को 11 से 14 जुलाई का प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत ने इस मुद्दे पर बातचीत की नई तारीखों का प्रस्ताव दिया है जो गलियारे के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इससे पहले भारत ने करतारपुर परियोजना पर पाकिस्तान की समिति में एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। भारत ने इस परियोजना से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान से स्पष्टीकरण भी मांगा था। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष नवंबर में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई थी। इस कॉरिडोर के बनने से सिख धर्म के श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब का आसानी से दर्शन कर पाएंगे जहां गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रहते थे। इस परियोजना को लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 3 तकनीकी स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। पिछले साल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर जिले में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपने क्षेत्र में इसकी आधारशिला रखी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नौसेना की ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार और नौसेना के बीच समन्वय जारी रखने का निर्देश दिया ताकि नौसेना की विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले के बागाम चाड़ूरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी और उसके गुट की पहचान की जा रही है। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज छबड़ा तापीय बिजली संयंत्र की पांचवीं और छठी इकाई का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तापीय विद्युत प्रौद्योगिकी पर आधारित राज्य की ये पहली परियोजना है और इसकी लागत करीब 9,550 करोड़ रुपए है। छबड़ा में 250 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयां पहले से विद्युत उत्पादन कर रही हैं। नई तकनीक पर आधारित इन नई इकाइयों की क्षमता 660 मेगावाट प्रति इकाई है। इस तरह इस विद्युत गृह की क्षमता अब 2320 मेगावाट हो गई है। यह तकनीक उच्च क्षमता के साथ उच्च दाब तथा तापमान पर आधारित है, जिससे कोयले की खपत भी कम होगी। इस परियोजना से राज्य को प्रतिदिन 3 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली मिलेगी, जिससे करीब 78 लाख नए उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरियाई प्रायद्वीप को विभाजित करने वाले विसैन्यकृत क्षेत्र में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाया। इस क्षेत्र में किम के साथ हाथ मिलाने के बाद उत्तर कोरियाई क्षेत्र में कदम रखने वाले वे पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु अस्त्रों के बारे में दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच अगले 2-3 हफ्तों में बातचीत शुरू हो जाएगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत के जीतने पर सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी, जबकि इंग्लैंड की राह और मुश्किल हो जाएगी। भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी मैच जीते हैं। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दिन में 2:30 बजे से एफएम रेनबो, राजधानी और डीटीएच हिंदी पर सुना जा सकेगा। बंगाल की खाड़ी पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र तीव्र हो रहा है। ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके प्रभाव से ओडिशा के कुछ जिलों में मंगलवार तक तेज बारिश हो सकती है। कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, मयूरभंज, बालेश्वर और मलकानगिरी जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मछुआरों को मंगलवार तक ओडिशा तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 2,200 तीर्थयात्रियों का पहला दल सुरक्षा के बीच आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। राज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के बीच इस जत्थे को रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुछ और समाचार। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों के आहार बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये बजट में समानता लाने के लिए किया गया है। इससे भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 12,500 एथलीट को फायदा होगा। इसके लिए खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने को कहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से योग की महिमा बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ये भारत की संस्कृति और विरासत का अंग है। भारत ने करतारपुर गलियारे मुद्दे पर एक और दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान को 11 से 14 जुलाई का प्रस्ताव दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से कोरियाई प्रायद्वीप के विसैन्यकृत क्षेत्र में मुलाकात की। और आईसीसी विश्व कप में आज बर्मिंघम में अपराजेय भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।